दोस्तों आज हम रिपेयर करने वाले हैं फिलिप्स के इस इंडक्शन कुकटॉप को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोक अटैक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये फिलिप्स कंपनी का इंडक्शन कुकटॉप HD4929। इसमें फॉल्ट ये है कि इसमें सप्लाई तो आ रही है पर ये ऑन नहीं हो रहा है। ये देखिए प्लग इन करने पर ये स्टैंड बाई लाइट तो ब्लिंक कर रही है पर ये इस पावर बटन से ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। ओके ये ओपन हो गया। दोस्तों इसके पैनल में सप्लाई इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब इसमें कोई डायरेक्ट शॉर्टिंग तो नहीं होनी चाहिए। फिर भी एक बार हम IGBT और ब्रिज रेक्टिफायर को चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम मीटर को डायोड की रेंज में रखकर चेक करेंगे। मीटर की पॉजिटिव प्रोब को गेट पिन पर रखकर कलेक्टर और एमिटर पिन पर चेक करेंगे। हमें यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। अब मीटर की नेगेटिव प्रोब को कलेक्टर पर लगाकर एमिटर पर रीडिंग मिलनी चाहिए, लेकिन मीटर की लीड को पलटने पर कोई रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि IGBT में कलेक्टर और एमिटर के बीच एक डायोड लगा होता है, ये उसी की रीडिंग है। अगर हमें कोई अबनॉर्मल रीडिंग मिलती तो हम इस IGBT को बाहर निकाल कर टेस्ट करते, लेकिन हमें कोई अबनॉर्मल रीडिंग नहीं मिली तो इसका मतलब है IGBT बिल्कुल ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करने के लिए मीटर की पॉजिटिव प्रोब को ब्रिज रेक्टिफायर की नेगेटिव पिन पर रखकर दोनों AC इनपुट पिन पर चेक करें। इन पर 400 से 500 के बीच रीडिंग आनी चाहिए, लेकिन प्रोब को पलटने पर कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही मीटर की नेगेटिव प्रोब को ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव पिन पर रखकर दोनों AC पिन पर चेक करें। इसी तरह इन पर भी 400 से 500 के बीच रीडिंग आनी चाहिए, लेकिन पलटने पर कोई रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब ब्रिज रेक्टिफायर भी ठीक है। तो अब हम पैनल और इसकी सप्लाई चेक करेंगे, क्योंकि पावर ऑन की कमांड पैनल से ही आएगी। अगर वहाँ सब ठीक हुआ तो हम PWM सर्किट और माइक्रो कंट्रोलर को चेक करेंगे। ये यहाँ पैनल की सप्लाई 5 वोल्ट है, ये एकदम ठीक है। ये क्लॉक और डाटा की पिन, अब चेक करते हैं स्विच को। दोस्तों स्विच को हम कंटिन्यूटी से चेक कर सकते हैं। मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रख के मीटर की दोनों प्रोब को हम स्विच के इन दोनों पिनों पर रखकर स्विच को प्रेस करेंगे। यहाँ कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। अब दूसरे स्विच पर चेक करते हैं। देखिए यहां कंटिन्यूटी मिल रही है, इसका मतलब ये स्विच खराब है, इसे बदलना पड़ेगा। अब बात करते हैं इंस्टेंट जुगाड़ की, क्योंकि दोस्तों अशोका टेक चैनल इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि हम इसमें आपको सॉल्यूशन के अलावा इंस्टेंट जुगाड़ भी बताते हैं, जिससे आपका काम इमरजेंसी में चल सके। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों अब हमें पता चल गया है कि ये स्विच खराब है, लेकिन अगर आपके पास ये स्विच अभी नहीं हो तो आप यहाँ देखिए ये कुछ प्रीसेट सेटिंग के बटन दिए हुए हैं। तो अगर इनमें से कोई ऐसी सेटिंग है जिसे आप यूज़ नहीं करते हैं या बहुत ही कम यूज़ करते हैं तो उस स्विच को निकालकर इस स्विच की जगह लगा सकते हैं, तो इंस्टेंट आपका काम चल जाएगा। फिर जब आपके पास स्विच अवेलेबल हो जाए तो आप नया स्विच लाकर लगा दीजिए।
तो ये लीजिए स्विच हमने लगा दिया है। ये देखिए अभी इंडक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है। दोस्तों सभी पार्ट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अगर आपको आपके आसपास मार्केट में कोई पार्ट्स नहीं मिले तो आप यहां से भी मंगवा सकते हैं, और मैंने अपने ऑनलाइन स्टोर का लिंक भी दिया है, आप एक बार विजिट जरूर करें। अगर आपको कुछ पसंद आए और प्राइस भी सही लगे तो आप परचेज जरूर कीजिए, इससे आपके अपने चैनल अशोका टेक को भी सपोर्ट मिलेगी। अच्छा दोस्तों अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।